पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेध सैनी भी आमदन तो वध संपत्ति दे मामले दे विच विजिलेंस दी छापेमारी तो बाद इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दे राडार दे विच आ गए हन। हुण ईडी ने उहनां दीआं संपत्तियां दी भी जांच शुरू कर दित्ती है। विजिलेंस नूं मुढली जांच दौरान उहनां दे बैंक खात्यां बारे जानकारी मिली, जिस तों बाद विजिलेंस ने सैनी समेत 6 दोषियां दे 37 बैंक खाते जब्त कर ले हन। मुलजमां दे खात्यां दे विच इन्हां खात्यां तों करोड़ां रुपए दा लैण देण होया है। इक रोजाना अखबार दी रिपोर्ट दे अनुसार इह बैंक खाते चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब अते दिल्ली दे दसे जा रहे हन। कुछ खाते अजिहे भी हन जिन्हां विच बकाया 4 तों 8 करोड़ रुपए तक सी। कई खात्यां तों करोड़ां दे लैण देण भी सामने आए हन। विजिलेंस जांच दे विच विदेशी कनेक्शन भी मिले हन। जांच विच चंडीगढ़ स्थित कोठी दे एग्रीमेंट विच भी वड्डा फेरबदल पाया जा रहा है। सैनी दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच खरीदी गई कोठी दा समझौता भी कथित तौर ते झूठा दस्या जा रहा है अते विजिलेंस जांच दे विच सामने आया कि कोठी मालक निमरत दीप दे पिता नूं अगस्त 2018 तों 2020 तक बिना किसी प्राप्ति जां उद्देश दे 6.4 करोड़ रुपए अदा किए गए सन। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सैनी नूं गिरफ्तार करना सी तां उहनां दी थां दे उत्ते विजिलेंस छापेमारी क्यों की गई। उन्हें कहा कि जेकर समय सिर कार्रवाई की जाती तो सैनी नूं अगाऊं जमानत नहीं मिलनी सी। उन्हें इसलिए सीधा विजिलेंस मुखी बीके उपल नूं जिम्मेवार ठहराया। विजिलेंस ब्यूरो नूं मुढली जांच विच साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अते सह दोषी निमरत दीप दी आमदन 172.9% वध है। विजिलेंस ब्यूरो नूं शक है कि निमरत दीप ने सुखजिंदर जीत सिंह, अजय कौंसल, प्रद्युमन परमजीत, अमित सिंगला अते साबका डीजीपी सुमेध सैनी दे नाल मिलके अपने परिवारिक मेंबरां दे नां ते गैर कानूनी तौर ते संपत्ति बनाई है। इस मामले दे विच हुण ईडी ए भी पता लगाउण दी कोशिश करेगा कि इह लोकां दा विदेश दे विच की संबंध है। फिलहाल साबका डीजीपी सुमेध सैनी काफी ज्यादा विवादां दे विच घिरदे जा रहे ने, जिस नूं देखदे होए हुण इह देखणा होवेगा कि जेकर वाकई ही उह दोषी हन जां फिर उह कोई घोटाले कर रहे हन तां की उहनां नूं सज़ा मिलदी है जां फिर नहीं। Thank you.